brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सीएम योगी इन दिनों फुल फॉर्म में हैं, चाहे वो यूपी में हो या देश के किसी भी दूसरे कोने में। उनके भाषण इन दिनों क्या बीजेपी और क्या विपक्ष दोनों तरफ खूब वायरल हैं। एक ऐसा ही भाषण सुनने को मिला बीते दिन चंडीगढ़ में। सीएम योगी चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा के दौरान वो राहुल गांधी पर ऐसे बरसे कि कांग्रेसी ये सुनकर भन्ना जाएंगे। दरअसल सीएम योगी चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश पर जब भी संकट आता है सबसे पहले राहुल गांधी देश छोड़कर भागने में सबसे आगे होते हैं। जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर के भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं, इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। जब भी संकट आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और जब हम लोगों ने सभी सांसदों से बात करना प्रारंभ किया है, भाई हालचाल लें, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी जी ने तो सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन नहीं सेवा ही संगठन है, सेवा सेवा का कार्य करना है। और बहनों और भाइयों, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव-गांव जाता था, जनपद जनपद में जाता था। 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए थे, जो बिहार जाने वाले थे, बंगाल जाने वाले थे, झारखंड, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और फिर इधर से राजस्थान की ओर जाने वाले थे, उत्तराखंड जाने वाले थे। इन सब की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रह करके मैं कर रहा था। 14,000 बसेज मैंने लगवाई थी इसके लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि लॉकडाउन है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भी देखो, ये सब हमारे नागरिक हैं, उनका अधिकार है और जो भी करना पड़ेगा हम जान पल खेल करके उनकी सेवा करेंगे, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के दौरान का वक्त याद करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साध दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।